हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन एकेडमी। एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपका एमबीपीएससी TAT, इसमें आपका स्वागत है। और मैं पवन चौधरी आपके सामने आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, और वो टॉपिक है इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख ग्रासलैंड्स या घास के मैदानों के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली घास के मैदान होता क्या है। अब देखो, जिन एरियाज के अंदर रेनफॉल थोड़ा सा कंपेरेटिवली आपको कम होता है, अगर हम लोग बात करें रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत बारिश होती है, और वहां से थोड़ा ऐसा एरिया जहां पर बारिश थोड़ी आपको कम होती है, और वहां पर बड़े बड़े मैदान होते हैं, तो वहां पर कम बारिश के कारण जो ट्री लाइन है या पेड़ है वो सस्टेन नहीं कर पाते, तो इसलिए उन एरियाज के अंदर बड़े बड़े ग्रासलैंड्स या बड़े बड़े मैदानी भाग आपको होते हैं। और यूजुअली ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये कॉन्टिनेंट के बीच में या कॉन्टिनेंट के थोड़े से सेंटर के अंदर आपको होते हैं, जहां पर थोड़ा सा रेनफॉल आपको कम होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स में। अब देखो, इन ग्रासलैंड्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड द टेम्परेट एंड सेकेंड इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब वो ग्रासलैंड्स जो ट्रॉपिक के बीच में है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, और उनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड, या उसके ऊपर होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, समशीतोष्ण ग्रासलैंड, जो ट्रॉपिक के ऊपर कर्क रेखा के ऊपर की तरफ और इधर नीचे मकर रेखा जो है मकर रेखा के नीचे की तरफ आपको होंगे, तो वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको होंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है दुनिया के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है लानोस ग्रासलैंड जो लोकेटेड है वेनेजुएला के अंदर, उसके बाद आपके ब्राजील और आसपास के रीजन के अंदर आपको लोकेटेड है कंपोज ग्रासलैंड, और ये ग्रासलैंड्स जो है दीज आर कॉल्ड द सवाना ग्रासलैंड, क्योंकि यहां पे सवाना बड़ी बड़ी ग्रासेस आपको होती हैं जिनको एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है, बट इनकी थोड़ी सी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो थोड़ी कम आपको होती है, तो उसके कारण थोड़ा ट्री लाइन वगैरह आपको सपोर्ट नहीं होता, और जितने भी ग्रासलैंड्स होते हैं इनके अंदर थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू कम होता है। उसके बाद अफ्रीका में हम लोग आते हैं, तो अफ्रीका के अंदर आपको जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेगा वो है आपका कानोस, जो स्पेशली नाइजीरिया और आसपास के रीजन में है। उसके बाद अफ्रीका के नीचे के रीजन में आप आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा सेल्बरी ग्रासलैंड। तो दो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड जो है वो अफ्रीका में बड़ी रेंज आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं टेम्परेट रीजन के अंदर, समशीतोष्ण क्षेत्र के अंदर जो मिलने वाले इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, तो इन इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो है आपका प्रेरीज ग्रासलैंड। तो प्रेरीज ग्रासलैंड जो है ये पूरा यूएसए के अंदर आपको लोकेटेड है, और आप जैसा देख रहे हैं कि यूएसए के एकदम कॉन्टिनेंट के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल में आपको लोकेटेड है, यहाँ पर बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं। अब ये देखो, इन ग्रासलैंड्स के अंदर दो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एनिमल हस्बेंड्री है या पशुपालन है वो हो सकता है, क्योंकि घास होती है तो घास के कारण यहाँ पर पशुओं का पालन हो सकता है, उनका फिर मीट वगैरह सेल करना, तो वो एक इंडस्ट्री हो सकती है। साथ ही इन ग्रासलैंड्स को क्लीन करके यहाँ पर बड़े बड़े जो घास के मैदान है, घास के मैदानों के अंदर एग्रीकल्चर हो सकती है, जैसे कि आपका मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, इस प्रकार के जो ग्रासलैंड्स हैं, इस प्रकार के ग्रासलैंड्स के अंदर काफी अच्छे तरह से होता है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है प्रेरीज ग्रासलैंड। उसके बाद साउथ अमेरिका में आप ट्रॉपिक के नीचे कैप्रिकन के नीचे की तरफ आपको आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा पंपास ग्रासलैंड, जो साउथ अफ्रीका के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड के जो पार्ट हैं उनके अंदर से आपको यहाँ पर आपको एक है, और यहाँ पर भी सेम इस प्रकार से एनिमल रैंचिंग और तमाम इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो बड़े लेवल पर आपको होती हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड कॉल्ड द स्टेपी ग्रासलैंड, और इससे हम लोग स्टेपी या उसको सुडान टाइप स्टेपी ग्रासलैंड आपको बोलते हैं, और ये जो स्टेपी है ये लोकेटेड है आपके ऑलमोस्ट यूक्रेन से लेके तो आपका रशिया, देन चाइना, और वहां से निकलते हुए आगे के रीजन में आपको चला जाता है, तो इन रीजन्स को हम लोग यहाँ पर आपको बोलते हैं ये स्टेपीज ग्रासलैंड आपको होते हैं। तो इसके अंदर भी हम लोग उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड कर सकते हैं। ईस्टर्न जो ग्रासलैंड्स आपको यहाँ पर आपको मिलेंगे तो ये आपको मंगोलिया और आसपास का रीजन है, इनको ईस्टर्न ग्रासलैंड कहा जाता है, जबकि वेस्टर्न जो पार्ट है कजाकिस्तान और आसपास के रीजन है ये वेस्टर्न आपके स्टेपीज ग्रासलैंड आपको होते हैं। उसके बाद जब आप रशिया की तरफ आपको आगे या फिर आपके यूक्रेन की तरफ आपको आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा ग्रासलैंड वाला पार्ट आपको हो गया, और वो आगे जाके यूक्रेन, हंगरी, रोमानिया वगैरह के जो रीजन है इन रीजन्स में यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद यूक्रेन और आसपास के रीजन में जो ग्रासलैंड्स आपको मिलते हैं उनको स्पेशली पुस्टास कहा जाता है। थोड़ा सा वो मैप के अंदर जो डायरेक्शन है ना वो थोड़ा सा गलत हो गया, वो एक्चुअली इस तरफ था। तो यूक्रेन के आसपास के रीजन, यूक्रेन, रशिया, इन रीजन में जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं उनको पुस्टास कहा जाता है, उसको थोड़ा उधर कंसिडर कर लेना, अभी बीच के रूप में रोक के उसको कर नहीं सकता अभी। उसके बाद इसी प्रकार के टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हमको साउथ अफ्रीका में मिलते हैं तो इनको कहा जाता है वेल्ड्स, और वेल्ड्स या इनको फिर लोकल लैंग्वेज में इनको फेल्ड्स भी कहा जाता है, तो दे नॉर्मली कॉल
इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड द वेल्ड। अब वेल्ड भी दो तीन टाइप के होते हैं, जैसे लो वेल्ड हो गया, हाई वेल्ड आपको आपको हो गया, या लिसोथो हाईलैंड्स आपको हो गया, तो दे कॉल द हाई वेल्ड्स जो अफ्रीका के जो कोस्टल स्पेशली बोल सकते हैं, थोड़ा सा इंटरकॉन्टिनेंट एरिया में या कॉन्टिनेंट के अंदर की तरफ आपको लोकेटेड है। तो ये हाई वेल्ड्स आपके हो गए अफ्रीका के अंदर आपको लोकेटेड। उसके बाद आप आ जाइए ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको जो टेम्परेट ग्रास लैंड मिलेंगे उसको कहा जाता है डाउन्स। नीचे का जो पूरा ग्रीन बेल्ट आपको दिख रहा है, सो दिस बेल्ट ऑफ द लोअर पार्ट, इसको कहा जाता है डाउन्स के मैदान, जो अफ्रीका के लोअर रीजन में आपको लोकेटेड है। उसके बाद आप लोग आ जाओ सीधे न्यूजीलैंड के अंदर, और न्यूजीलैंड में जो ग्रासलैंड्स आपको मिलेंगे इनको कहा जाता है कैंटरबरी ग्रासलैंड, जो न्यूजीलैंड के नीचे के रीजन में आपको लोकेटेड। तो ये तमाम जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड है दुनिया के। एक पर लिस्ट देख लेते हैं, स्टेपीज हम लोग बात करते हैं यूरोप और नॉर्थ एशिया के अंदर, पुस्टाज इन द हंगरी और यूक्रेन और पूरा रीजन, प्रेरीज इन द यूएसए, पंपास इन द अर्जेंटीना, वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका, डाउन्स इन द ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी इन न्यूजीलैंड, सवाना अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जो पूरा हमने स्टार्टिंग में देखा था, और उसके अलावा टेका ग्रासलैंड्स हैं जो यूरोप और एशिया के अंदर है, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो इसलिए उसको अलग से मैंने डिस्कस नहीं किया। ओके, उसके बाद क्या भारत में भी ग्रासलैंड्स हैं? बिल्कुल हैं, भारत में भी कई सारे बड़े 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 ग्रासलैंड्स हैं, लेकिन यूरोप के या आपके नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा बड़े ग्रासलैंड्स भारत के अंदर आपको नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स आपको भारत में मिलेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए एक ग्रासलैंड यहां पर आपको मिलता है, उसको तो चोर कहा जाता है, उसको चुह इट्स कॉल्ड द चोर। तो चोर वाला जो रीजन है ये हिमालय के फुटहिल में, स्पेशली शिवालिक और आसपास का रीजन है, यहाँ पर जब पूरा शिवालिक का जो डिपोजिशन इकट्ठा होता है और उसके नीचे के रीजन के अंदर यहाँ पर चोर करके ग्रासलैंड्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे आपको आएंगे, स्पेशली आपके जो गंगा वैली है, तो गंगा वैली के थोड़ा सा ऊपर के रीजन में, तो यहाँ पर जो तराई वाले रीजन होते हैं बिहार और यूपी के क्षेत्र में, तो यहाँ पे तराई के गैंगेटिक और मतलब जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो इधर गंगा वाला पूरा बेल्ट हो गया और उसके फ्लड प्लेन्स हो गए, और सेम इसी तरह से ब्रह्मपुत्रा में फ्लड प्लेन्स आपको हो गए, इनको तराई ग्रासलैंड कहा जाता है, तराई वाला रीजन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा जो ग्रासलैंड आपको लोकेटेड है वो ग्रासलैंड है, इट्स कॉल्ड द बुग्याल ग्रासलैंड, और ये लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला ग्रासलैंड आप मणिपुर के अंदर आपको आ जाओ, तो मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो मणिपुर के अंदर यहां पर दो ग्रासलैंड आपको मिलेंगे, वन इज कॉल्ड द फुमदीज और सेकंड इज कॉल्ड द उखरुल। अब देखो जो फुमदीज हैं, तो मणिपुर के अंदर एक फ्लोटिंग अपने कैमुल लमजाओ आपके नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा, जहां पर बड़े लेवल पे आपको फुमदीज होती है, और वो फुमदीज जो है उनके डिपोजिशन के कारण या उसके कारण ये बड़े बड़े जो ग्रासलैंड्स हैं ये ग्रासलैंड्स यहां पर आपको बनते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको उखरुल भी कहा जाता है, तो उखरुल उसी तरीके ग्रासलैंड्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आप लोग आ जाओ वेस्टर्न घाट में, तो वेस्टर्न घाट से नीचे अगर कोस्टल एरियाज आप देखोगे तो इन कोस्टल एरियाज में आपको मिलेगा शोला ग्रासलैंड, उसको लोकल लैंग्वेज में शोला कहा जाता है। उसके बाद गुजरात में दो तरह के ग्रासलैंड्स आपको मिलते हैं, एक है बन्नी और दूसरा होता है विधि। तो बन्नी जो होता है, बन्नी ग्रासलैंड स्पेशली जो रण ऑफ कच्छ है इसके आसपास के रीजन में आपको लोकेटेड है, और इस यहाँ पर आपके जो जो वाइल्ड एस है, जंगली जो गधे हैं, जंगली गधे बड़े लेवल पे मिलते हैं, तो बन्नी और विधि दोनों गुजरात में लोकेटेड है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में खज्जर नाम का जो ग्रासलैंड है, खज्जर ग्रासलैंड आपको मिलता है। फिर से वापस आ जाओ नागालैंड की तरफ, तो नागालैंड में जो ग्रासलैंड आपको मिलता है वो मिलता है सारामती ग्रासलैंड। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड हुए भारत के, खज्जर, चौर, बुग्याल, तराई, सारामती, फुमदी, बन्नी और विधि और शोला ग्रासलैंड। तो तमाम ग्रासलैंड्स आप यहां पर आपको याद रखिएगा, एक बार उसको एक शॉट में आप देख लो। चौर ग्रासलैंड हिमालय के फुटहिल्स में आपको मिल जाएंगे, फिर तराई ग्रासलैंड्स जो हैं आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र के, तो ये इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं। फिर फुमदीज और उखरुल हैं जो मणिपुर में है, फिर आपके नागालैंड के अंदर सारामती हैं, बन्नी और विधि हैं गुजरात के अंदर, शोला है वेस्टर्न घाट में, बुग्याल है उत्तराखंड में, और खज्जर ग्रासलैंड है आपके हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्रासलैंड्स हैं ये लोकेटेड है आपके भारत के अंदर। उसके अलावा अनअकैडमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 7 डे का फ्री ट्रायल, और ये ट्रायल ऑफर आप पा सकते हैं सिर्फ नीचे गई डिस्क्रिप्शन में दी गई जो लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके अभी जाके इनरोल करो, और इनरोल करके 7 डे का जो फ्री ट्रायल है वो फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जीत की रणनीति करके एक बैच चल रही है, जिद करके एक बैच चल रही है, जिसमें
199 रुपीज में 30 डे का पूरा मैराथन बैच आप लोगों के लिए है। जेल प्रेरी और वन रक्षक की एक बैच चल रही है। एमपी जीके के ऊपर आपको एक कंप्लीट कोर्स है, फिर हिस्ट्री के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स आ चुका है। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज अभी आपको चल रहे हैं और इनके माध्यम से आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही एमपीपीएससी जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर वर्ग एक की जो मेन्स की एग्जाम है, तो उन मेन्स की एग्जाम के लिए पहली बार एक इंपॉर्टेंट कोर्स आ रहा है जिसमें हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तमाम जो टॉपिक है, तमाम टॉपिक हम लोग उसके अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं जो स्पेशली मेंस के स्टूडेंट के लिए आपको है। तो उसके लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो आज उसका एक ओरिएंटेशन सेशन है और उसके बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो ज्योग्राफी, मेरा जो इकोनॉमी वाला कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है आपके 10th of May से सुबह 9 बजे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और उन कोर्सेज को जाके आपको परचेज कीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।